हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हाय एवरीवन, आई जैनिस फ्रॉम कुष्मांडा एजुकेशन। हरियाणा करंट अफेयर के नए एडिशन में आपका वेलकम करते हुए इस एडिशन में हम आपको जनवरी से फरवरी तक 2019 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर के बारे में बताएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के बारे में परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आप वही करंट अफेयर देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है? यह है आपका ढोपरा कला, यमुनानगर में। नेक्स्ट है, 13वीं हरियाणा जूनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कब और कहां किया गया? यह आपका 2 से 6 जनवरी तक हिसार के एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में किया गया। नेक्स्ट है, देश का सबसे पहला हाई सिक्योरिटी फीचर युक्त सर्टिफिकेट कहां लॉन्च किया गया है? यह है आपका आईसीएटी में, मानेसर में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड टॉयलेट डे 2018 में देश भर के टॉप 42 स्वच्छ जिलों में हरियाणा को के कितने जिलों को चुना गया है? ये हैं आपके 6 जिले, कौन कौन से हैं? मेवात, पंचकुला, पानीपत, भिवानी, फरीदाबाद और करनाल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कहां पर हड़प्पा कालीन 5000 वर्ष पुराना प्रेमी जोड़े का कंकाल मिला है? कहां मिला है आपका? यह अभी हाल ही में राखीगढ़ में पुणे के डेक्कन कॉलेज डीन विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों द्वारा ढूंढा गया है। नेक्स्ट करते हैं। 14 जनवरी 2019 मकर संक्रांति के अवसर पर अनीता कुंजू ने कौन सी चोटी पर तिरंगा फहराया? तो कौन सी चोटी पर तिरंगा फहराया है? यह है आपके एंटार्क्टिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मासिफ पर तिरंगा फहराया है इन्होंने। नेक्स्ट है आपका, 31 दिसंबर 2018 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? यह है 1000 बॉयज पर 924 गर्ल्स। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 2018 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के किस जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक पाया गया है? यह है आपका करनाल का, जिसमें 1000 बॉयज पर 979 गर्ल्स हैं। नेक्स्ट है आपके, 23 जनवरी को हरियाणा के किस शूटर खिलाड़ी को राष्ट्रपति चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हैं अनीश भनवाल, जो 16 वर्षीय हैं, को CWG 2018 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा की किस पर्वतारोही को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये है आपकी हिसार की माउंटेन गर्ल शिवांगी पाठक, 23 जनवरी को इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितनी हस्तियों को वर्ष 2019 के पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये है 5। पद्म भूषण जो है कौन कौन है? श्री दर्शनलाल जैन, पद्मश्री कवल सिंह चौहान, बजरंग पुनिया, नरेंद्र सिंह और सुल्तान सिंह। नेक्स्ट है आपका, 26 जनवरी की 2019 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? ये आपके भिवानी जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेक्स्ट है, यमुनानगर के कस्बे हिजराबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये प्रताप नगर रख दिया गया है।
किसका? खिजराबाद का नाम। नेक्स्ट है, 13 जनवरी को मुख्यमंत्री खट्टर ने पलवल के किस स्थान पर श्री विश्वकर्मा सिकल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया? ये आपके पलवल के दुधोला में इन्होंने उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, चौथा हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? ये कहाँ पे आयोजित किया गया? हिसार में। तो चलिए देखते हैं, ये 13 से 17 जनवरी तक चला और कहाँ पे किया गया? कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में हरियाणा की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? इन्होंने 178 जो है हरियाणा ने मेडल प्राप्त किए हैं। 62 आपके स्वर्ण हैं, 56 रजत हैं, 60 आपके कांस्य हैं और इन पदकों के साथ इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया हरियाणा की टीम ने। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना की ऊंची चोटी माउंट बोनेट पर तिरंगा झंडा फहराने वाली और निशान साहिब लहराने वाली विश्व की पहली सिख महिला पर्वतारोही का क्या नाम है और वह कहां से संबंधित है? ये है आपकी महक ज्योति, जो मात्र 17 इयर्स ओल्ड की हैं और ये करनाल से हैं। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर माउंट किलम माजारो पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन बनी? ये है आपकी मनीषा, जो बनवाली फतेहबाद से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा के किस स्थान को देश के 30 स्वच्छ आइकॉन में शामिल किया गया है? ये है आपका ब्रह्म सरोवर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, देश की पहली नेशनल हॉकी एकेडमी का संचालन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा देखते हैं, ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में। इस एकेडमी का नाम जो है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। एमजीयू के परिसर में इसकी जो लागत है वो है 6.5 करोड़ की लागत से 2019 के अंत तक बल्ट्रफ हॉकी ग्राउंड बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें जो ट्रेनिंग की सीमा रखी गई है वो वर्ष 2020 तक ट्रेनिंग इसमें शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है, हिसार के अंकुश कसाना ने यूरोप की किस पर्वत चोटी को फतेह किया? इन्होंने माउंट एल्ब्रूस को फतेह किया है। अंकुश जो है वो लालपुरा गांव से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के नए डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया है? ये आपके नए डीजीपी जो हैं, ये आईपीएस मनोज यादव को 18 फरवरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? ये आपका 1 फरवरी से 15 फरवरी 2019 तक किया गया। नेक्स्ट है, 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का जो थीम स्टेट है वो किस राज्य को बनाया गया? थीम स्टेट आपका महाराष्ट्र राज्य को बनाया गया। नेक्स्ट है, 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का सहभागी देश के रूप में किसे चुना गया? ये आपको थाईलैंड को सहभागी देश के रूप में चुना गया और यह 2012 में भी भारत देश का सहभागी रह चुका है। तैतीसवें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में कितने देशों ने भाग लिया? ये आपके 32 राज्यों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, हरियाणा में देश का कौन सा एम बनाने की घोषणा की गई है? अभी तक जो है हमारे देश में 21 एम्स हैं और हरियाणा में जो है 22वां एम्स बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, देश का 22वां एम कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये आपका मनेठी रिवाड़ी में, जो हरियाणा में है, स्थापित किया जाएगा और ये जो है 22 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में
कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कितने मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? ये आपके चार कल्चरल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा में फोर्थ एग्री लीडरशिप समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका गन्नौर पानीपत में किया गया। नेक्स्ट है, गन्नौर में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट कितने एकड़ में बनकर तैयार होगी? ये आपकी हॉर्टिकल्चर मार्केट जो है 600 एकड़ में बनकर तैयार होगी और इसका जो खर्च है वो आपका 14,000 करोड़ इस पे खर्च आएगा, यानी लागत आएगी। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 8 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण स्वच्छ शक्ति 2019 का जो शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किन परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया? तो कितनी परियोजनाएं हैं? ये 5 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी है देख लेते हैं। पहली परियोजना आपकी राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर का लोकार्पण कर देश को समर्पित किया गया। नेक्स्ट है आपकी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकुला का किया गया शिलान्यास। थर्ड है ESIC मेडिकल महाविद्यालय व अस्पताल फरीदाबाद का उद्घाटन किया गया। फोर्थ है आपका पानीपत में बैटल ऑफ पानीपत की स्मृति में बनने वाले शहीद स्मारक की रखी गई आधारशिला। एंड फिफ्थ आपका लास्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कुटेल करनाल का किया गया शिलान्यास। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2019 का आयोजन कब से कब तक और कहाँ किया गया? तो आदि ब्रदी यमुनानगर में 6 से 10 फरवरी शुभारंभ किया गया इसका। हरियाणा के पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री राम विलास शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया? ये मॉरिशस में किया गया। नेक्स्ट है, हरियाणा केसरी 2019 का खिताब किसने जीता? ये आपकी पानीपत की नैना ने यह खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट है, हरियाणा का वर्ष 2019 और 20 का जो बजट है विधानसभा में कब पेश किया गया? ये आपका 25 फरवरी 2019 को पेश किया गया। नेक्स्ट है, हरियाणा का वर्ष 2019-20 का बजट कितना है? यह है आपका 132165.99 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम वाटर एटीएम कहाँ लगाया गया? यह आपका गुरुग्राम में सेक्टर 34 में लगाया गया। चलिए आज का लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। हरियाणा के किस जिले को नगर पालिका से नगर परिषद का दर्जा मिला है? तो ये कौन सा जिला है? ये आपका झज्जर। आज के लिए इतना ही, आगे भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी अपना कमेंट करना है तो हमें ज़रूर करिएगा कि आपको कैसे लगे हमारे हरियाणा का करंट अफेयर का पहला एडिशन। थैंक यू। हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।